अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर ऑफ बायोलॉजी प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद। आज की इस रिकॉर्डिंग का जो बेसिक पर्पस है वो ये था कि आप लोगों को आगाह किया जाए कि जो पीएमसी का जो सिलेबस आया है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि अब क्या हम लोगों ने फेडरल बोर्ड की बुक्स को तैयार करना है। तो बेटा देखो, यहाँ पर अब आपके पास जितने दिन हैं उन 20 दिनों के अंदर आप जो है वो फेडरल बोर्ड की पूरी बुक को जो है वो तैयार नहीं कर सकते। तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? नंबर वन स्ट्रेटजी आप लोगों की ये है कि आपने जो चीज़ें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से पढ़ रखी हैं, जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर है, बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से चीज़ें सेम हैं, आपने उनको ही अच्छे से रखना है। अब आप फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। जो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, अपनी ही बुक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, उन्हीं को बार बार अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। जो चीज़ें ऐड की हैं, अगर आप उनके एमसीक्यूज की डिवीजन देखें तो उनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज नहीं हैं, तो वो बेसिक चीज़ों के ऊपर ही होंगे, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पेनिट्रेशन में नहीं जाना, तो आपने उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। प्लस नियर पीयर आपके लिए क्या कर रहा है, नियर पीयर आपके लिए एक पूरा टेस्ट सेशन प्लान कर चुका है और उसके अंदर जो एमसीक्यूज होंगे उन एमसीक्यूज को इस अंदाज से हम लोग बनाएंगे कि उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चीज़ें कवर हों, वो फेडरल बोर्ड के हवाले से भी कॉन्सेप्ट आपको दे रही हों, वो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रही होंगी। सो मेरी कोशिश आप लोगों के साथ ये है कि आपको एक अच्छे अंदाज से हर तरीके के ऊपर, हर कॉन्सेप्ट के हवाले से, मेमोरी बेस के हवाले से जितने भी सवाल हैं वो आपको मिल रहे हों। थैंक यू।